मुआवजा खतर मांग खावा है सारे मिल के और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाओ कोई मुआवजा दिया जा जो को रास्ता मुआवजा दिया जा। देखो सारे खेत में पानी छिकमा खड़ा है लेकिन खेती ने आज ना हो गया ये भी हो गया फिर रात ना फांसी खागा ना ना फांसी तो नहीं खाने देना फांसी खाई तो कुछ करवा देगी फांसी भी कई किसान खा जाते हैं मजबूरी में क्या करें वो को रास्ता थोड़ी लग रहा रास्ता तो नहीं है लेकिन क्या करें भाई किसी का दबाव हो गया है फसल हो नहीं मांगेगा जिसके पैसे मैंने आपसे लिए हैं तो देने तो मेहनत करी कराई है बालक की तरह आप खेती तैयार करा कोई जो खड़े है ICS कोचिंग सेंटर वेयर हाउस रोड MC कॉलोनी चरखी दादरी। नमस्कार, चरखी दादरी जिले के निमली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर एक किसान अपनी बाड़ी की फसल को ट्रैक्टर चला रहा है, बाड़ी की फसल पर हर रोज चलाकर इस फसल को बर्बाद कर रहा है। आखिर ऐसा किसान क्यों कदम उठा रहा है? किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, दिन रात मेहनत करके फसल तैयार करता है। जब फसल तैयार होनी शुरू हो जाती है उस समय अगर किसान उस फसल को बर्बाद कर रहा है तो कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होगा। किसानों से हम बातचीत कर लेते हैं कि गांव के किसान इस ट्रैक्टर चला रहे किसान को रोकने के लिए पहुंचे हैं, पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। अच्छा एक बात बताएं, ये किसान ट्रैक्टर चला के इस बाड़ी की फसल को बर्बाद क्यों कर रहा है? बर्बाद तो इसलिए कर रहा है, पहले बाड़ी की फसल को बोए करीबन 2.5 महीने हो गए, बाड़ी की फसल 2-4 बार इसकी नड़ाई कर ली, अड़ाई कर ली, खाद बो दी, पहले बीज बोया, पाड़ पोस के बड़ी कर ली और ईब 3-3 फुट 2-2 फुट पानी भर गया। पानी भरने से कपास सूखने को जारी है तो इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं जी। तो भाई कम से कम प्रशासन कोई मदद करे, हमारी गवर्नमेंट तो ही फायदा हो, इसलिए बार है। तो इस बाड़ी से पहले किसी फसल में नुकसान हुआ था? हुआ था। मुआवजा मिला उसका? मुआवजा कुछ लोगों को, चंद लोगों को मिला है, बाकी मुआवजा पेंडिंग पड़ा है, वो भी नहीं मिला जी। मतलब पहली फसल का मुआवजा नहीं मिला है, दूसरी फसल और बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई जी, बिल्कुल जी। क्या इस बाड़ी का कोई और समाधान नहीं निकल सकता? निकल सकता है, गवर्नमेंट को चाहे तो। क्या चाहे, क्या समाधान निकल? मुआवजा दे इसका। मुआवजा तो कोई समाधान नहीं है, फसल में अगर पानी भरा है लग गए तो बाबड़े। पानी निकलने का तो कोई साधन है नहीं हमारे यहाँ पर, एक मोटर लगा रखी है, अगर पानी तो तुरंत प्रभाव से निकल जाए तो कुछ फायदा हो जाए इसमें, किसान को कुछ मिल भी जाए फसल का, वो भी थोड़ा बहुत, पूरा तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये फसल तो सूखने लगी। निमली गांव में काफी ज्यादा एकड़ पर जलभराव होने की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है पिछली जो फसल थी उसके खराब होने का मुआवजा भी अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है, जबकि इस साख की फसल और खराब हो चुकी है। कितने एकड़ जमीन पर लगभग पानी भरा होगा? 250-300 किला पानी भरा। क्या सभी जो बाड़ी की फसल ही बर्बाद हुई है? बाजरा भी और बाड़ी भी दोनों चीज। केवल कपास की फसल ही नहीं बल्कि इसके अलावा बाजरे की फसलों में भी निमली गांव में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान मजबूरी में अब अपनी फसलों को अब ट्रैक्टर चला रहा है, रूटावेटर चला के उनको बर्बाद कर रहा है, क्योंकि किसान का कहना है फसल को बर्बाद करने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं है। अगर किसान इस फसल को नहीं बाहेगा तो कुछ दिन के बाद पानी भी बर्बाद कर देगा। किसान, भारतीय किसान यूनियन के नेता इस वक्त हमारे पास पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। जगबीर गसल्ला और किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष। देखिए सुबह जब से बारिश शुरू हुई है तभी से यहाँ से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे गांव की लगभग सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो पानी से भर गई, जो फसलें थी हमारी नष्ट होने लग रही, आप जहाँ तक नज़र डालोगे वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब जिस पुराने मुआवजे के लिए जहाँ पिछली बार हमारे सर्दी और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ उसका मुआवजे के अंदर भी सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। जहां मुआवजा मिलना था प्रत्येक किसान को, 2 कलाण वाले को, 2 मरले वाले को, 2 बिग्गे वाले को और 20 किलो वाले को, लेकिन कंडीशनों के आधार पर इन्हीं किसानों का पूरा मुआवजा काट लिया।
20% किसानों को भी मुआवजा नहीं दिया। उसका आंदोलन चल रहा है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन इत्तफाक से आज दोबारा से जो पहली बरसात हुई आज फिर बरसात हुई, इसके कारण पानी ही पानी हो गया, तो अगली खेती भी नहीं रही। लेकिन सरकार के अंदर एक खोखले दावे करे जा रहे हैं कागजी तौर पे कि भाई कागजी ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है, और कागजों के अंदर कहा जा रहा है किसान की आमदनी दोगुनी कर दी, फसल के रेट पेट के कितने कम हो गए। पिछली बार 6500 सरसों का जब निकली तब ये 6500 का रेट था, लेकिन अब की बार वही 4000-4500 पर आने। खाद बीज के रेट ही बढ़े हैं। नहीं नहीं, जो खर्चा है खेती का खर्चा बढ़ गया और कीमत घट गई। मतलब सर खाद बीज के रेट ही बढ़े हैं, काफी बढ़ गए जी खाद बीज के। तो पहले दवाई स्प्रे आया करती 100 रुपया की, 250-300 रुपया रेट हो रहे हैं। बड़ी है। और बाढ़ का मेन कारण क्या है, सुबह किसान रोज खेत में आता है, इसको देख के रोता है, तो इससे अच्छा बाढ़ का कारण ये है कि एक ही बार रोले, बार बार दिखाई तो नहीं देगी, ये तो सूखनी है। इसे मतलब किसान का कोई साथी है ही नहीं, सरकार वैसे खोखले दावे कर रही है। किसानों का कहना है कि सरकार खोखले दावे कर रही है, कोई दोगुना ज्यादा किसान की आमदनी नहीं बढ़ी है, अगर थोड़ी बहुत अगर फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तो इसके साथ साथ बीज और कीटनाशक दवाइयां भी काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। इसके अलावा डीजल की बढ़ती कीमत भी किसानों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। जो इस वक्त ट्रैक्टर खेत में चला रहे हैं उस किसान से भी हम बातचीत कर लेते हैं, आखिर वो ट्रैक्टर क्यों चला रहे हैं और क्या ट्रैक्टर चलाने के अलावा किसान के पास दूसरा कोई विकल्प है या नहीं। आप किसान हैं? हाँ भाई, किसान। तो आज फसल में ट्रैक्टर क्यों चला रहे हैं भैया? वैसे भी खत्म होगी, इससे अच्छा अपना चला के खत्म कर देंगे। क्या कोई और विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है जी इसका। जी आप देख लो कितना पानी है जी। आपके सामने फसल खराब हो रही है जी। लगभग कितने एकड़ जमीन में ये पानी भरा होगा आपके गांव में? 300 एकड़ के लगभग। लगभग 300 एकड़। अच्छा एक बात बताएं, ये बाड़ी भी वैसे भी आपकी काफी अच्छी है, क्या इस तरह से अगर पानी खड़ा रहेगा तो क्या जल जाएगी? ये 2 दिन में जल जाएगी। 2 दिन में जल जाएगी। तो इसमें पानी निकालने का कोई प्रयास नहीं किया? कोई प्रयास नहीं है, पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है जी। अच्छा देखिए, किसान का साफ साफ कहना है पानी निकालने का अभी कोई रास्ता नहीं है और बाड़ी को बहाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, आखिरकार हार मानकर इस बाड़ी को बहाया जा रहा है। ये केवल एक किसान की कहानी नहीं है बल्कि चरखी दादरी जिले के निमली गांव के काफी ऐसे लोगों की कहानी है जो अपनी फसल को अब तक बहा चुके हैं और कुछ लोग बहाने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों के पास न तो पानी निकालने का कोई विकल्प है, रही सरकार से राहत मिलने की बात, तो किसानों का कहना है कि तो पिछली बार जो फसलों में नुकसान हुआ था उसका मुआवजा भी अभी तक बाकी है, जबकि जो इस साख की जो फसल है ये भी अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर देखिए, एक किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, दिन रात मेहनत करता है, जब पूरी दुनिया आराम से अपने घर पर सोती है उस समय किसान घर से बाहर निकलकर अपनी जान को जोखिम में डालकर खेतों में पानी लगाता है, अपनी फसल को तैयार करता है, लेकिन जब फसल तैयार होने का समय आता है, जब प्राकृतिक आपदा के चलते या कोई किसी ऐसी बीमारी के चलते जब फसलें खराब हो जाती हैं या फिर किसान को किसी मजबूरी के कारण फसलों पर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा किसान के लिए एक दुख का समय होता है, क्योंकि किसान को अपनी फसलों से कई तरह की उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। ऐसे में हरियाणा सरकार को भी किसानों की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और किसानों के पास सरकार से मिलने वाली सहायता के अलावा और कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। खिदादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।